बात करेंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के प्रोसेस पे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के चार हिस्से हैं उसमें पांचवा जो हिस्सा है वो बहुत ही पावरफुल है अगर चार स्टेजेस के अंदर कोई गड़बड़ हुई या फ्रूटफुल रिजल्ट्स हमने कहीं रिकॉर्ड नहीं किया हमने डेटा ठीक तरह से इंसर्ट नहीं किया या डेटा को सही से इंटरप्रेट नहीं किया तो मैं ये समझता हूं जो फिफ्थ की स्टेप है वो मिस हो जाएगा जिसका नाम है कोचिंग फीडबैक एंड रिकोगशन रिकोगशन के साथ में एक और वर्ड जोड़ता हूं जिसका नाम है रेप्रीमेंड द इंप्लाईज एज वेल आइए जी बात करते हैं वो चार स्टेप्स कौन से हैं और इस प्रोसेस को फिर वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे कि जब आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हो या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का प्रोसेस इंप्लीमेंट कर रहे हो या अपने इंप्लॉइज पे वो एग्जीक्यूशन उनपे लगा रहे हो तो मैं ये समझता हूं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की कंप्लीट पैकेज आपको हेल्प करेगा आपको डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव करने में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस स्टेब्लिश गोल्स एंड प्रायोरिटीज प्रीपेयर्स सेल्फ असेसमेंट्स

पर्सनल गोल्स ऑर्गेनाइजेशनल की जब बात होगी तो उसमें हम फर्दर डिवाइड करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या गोल्स प्रिपेयर करती है अपना नेक्स्ट मूव अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन अपने जब गोल्स प्रिपेयर करती है उसमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑपरेशनल एक्सेलेंस या बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग पीपल डिवेलपमेंट और पीपल मैनेजमेंट लास्ट बट नॉट द लीस्ट कस्टमर डिलइट और अ कस्टमर परस्पेक्टिव यह तमाम जो ऑब्जेक्टिव हमने आपसे डिस्कस किए तमाम गोल्स जो आपसे डिस्कस किए ये कैश कैड होते हैं फर्दर नीचे डिपार्टमेंट वाइज तो डिपार्टमेंट सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए एक बजट तैयार करता है कि हमें इस साल कितना एक्सपेंस करना है कितनी सेविंग्स दिखानी है मींस वो बात करते हैं एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस पे। जब भी वो बजट वर्ड सामने आएगा तो आपके सामने दो और टर्मिनोलॉजीज खुल जाएंगी नंबर वन ओपेक्स, नंबर टू कैपेक्स। ओपैक्स मीन्स ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स क्या आपको अपने ऑपरेशंस चलाने के लिए डे टू डे रिकरिंग एक्सपेंसेस कौन से करने हैं जिसमें आपके ऑपरेशंस स्टॉप ना हो या ऑपरेशंस में कोई भी हर्डल ना आए उसके बाद एक और आपके पास एक्सपेंसेस होते हैं जिसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ये मोस्टली वन टाइम एक्सपेंडिचर्स होते हैं मोस्टली ये लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर्स होते हैं रिकरिंग एक्सपेंस नहीं होते फर्दर हम इस पर बात भी करेंगे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जब भी किसी डिपार्टमेंट को मेजर करनी होगी वो डेली वीकली मंथली क्वार्टरली अपने एक्सपेंसेस को मद्देनजर रखते हुए कितने एक्सपेंसेस किए उससे क्या वैल्यू जनरेट किया और कितनी सेविंग्स शो की या कभी कभी ऐसा भी होता है आप बजट से थोड़ा आगे निकल जाते हैं बिकॉज यू कॉन्ट फोर्स दी द इकोनॉमिक कंडीशन और कोई आपके पास विद इन द ईयर कोई ऐसा पर्पज ऑब्जेक्टिव नजर आ गया जिसमें आप अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में रहते हुए बजट एक्सीड कर जाते हैं ये हम बहुत एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में लेकिन मैं सिर्फ समझाने की बात कर रहा हूं कि जब आपने अपने गोल्स बनाए उसके अंदर प्रायोरिटी सेट की तो उनके अंदर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज वन ऑफ द की गोल एंड ऑब्जेक्टिव फॉर योर डिपार्टमेंट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल जब हम फर्दर इसको कैस्केट डाउन करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा हर गोल के साथ साथ आपसे बात करती है कहती है जब भी कोई ऑब्जेक्टिव पे बात होगी गोल्स पे बात होगी वो गोल्स स्मार्ट होने चाहिए हम स्मार्ट पे तो ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में हम स्मार्ट एंड स्मार्टर पर बात करेंगे स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक मेजरेबल अटेनेबल रियलिस्टिक और रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स होने चाहिए जब आप इस प्रोसेस को समझते हैं देन यू टॉक अबाउट योर पर्सनल गोल्स पर्सनल गोल्स का मतलब है कि आज आप कहां खड़े हुए हैं तीन और पांच साल का आपका क्या प्लान है तो उसके अंदर हम टैलेंट मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी को मद्देनजर रखते हुए आपके पर्सनल गोल्स को आपकी एस्पिरेशंस को समझते हैं उसको उसके अंदर एच को इंगेज करते हैं और आपको सर्टन एंड डेवलपमेंट और न्यू रोल्स या रोटेशनल साइकिल्स में डाल के आपकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करते हैं और आपको मेजर करते हैं कि आप कौन से रोल्स फ्यूचर में परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले वक्तों में मैं आपसे करियर पाथ के हवाले से बात करूंगा जिसमें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है आइए जी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के प्रोसेस नंबर टू पे बात करते हैं प्रिपेयर सेल्फ असेसमेंट्स जैसे ही आपकी गोल सेटिंग हो जाती है उसके बाद आप अपने लिए सेल्फ असेसमेंट रेडी करते हैं जैसे ही ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पर्सनल गोल्स डिपार्टमेंटल गोल्स बन जाते हैं तो उनकी कोई ना कोई असेसमेंट जरूर होगी फॉर एग्जाम्पल जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आपके आवरली एग्जाम्स होते हैं मिड टर्म्स होते हैं असाइनमेंट्स होती हैं क्विजेज होते हैं और फाइनल एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर कुछ सवाल होते हैं और टीचर आपको एवेलुएट करने के लिए आपको रैंक करता है ग्रेड्स देता है मार्क्स देता है इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल डिपार्टमेंटल या पर्सनल गोल्स आपको असाइन किए जाते हैं उनकी भी मेजरमेंट क्राइटेरिया बनाई जाती है उस मेजरमेंट क्राइटेरिया को हम कहते हैं के पी आईज पी आई मीन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर यूनिवर्सिटी में दस चैप्टर पढ़ाए जाते हैं यह हरगेज ऐसा नहीं होता कि दस के दस चैप्टर में जाकर सवाल पूछे जाए उनसे की चैप्टर कौन से हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं जो कोर्स को समझने और कोर्स की बेसिक्स को एडॉप्ट करने में आपको बड़ी हेल्प करते हैं इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट क्या है ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव क्या है उन्हीं बेसिस को मद्देनजर रखते हुए कंपनी आपके लिए केपीआईज बनाती है और केपीआईज में हम डिटेल में मजीद बात करेंगे लेकिन आप ये सिर्फ ये समझ लें केपीआईज इन शॉर्ट होती क्या है केपीआईज इज नथिंग बट द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इट्स अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट अगेंस्ट ईच गोल ऑब्जेक्टिव दैट यू हैव सेट फॉर द ईयर फॉर द क्वार्टर और इवन अ सेमा एनुअली और केपीआई जब भी होगी तो उसके साथ साथ या तो पैसा बन रहा होगा या तो पैसा कट रहा होगा या तो पैसा इन्वेस्ट हो रहा होगा या पैसा स्पेंड हो रहा होगा विदाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विदाउट पीपल मैनेजमेंट विदाउट कस्टमर डिलाइट विदाउट प्रोसेस KPIs बन ही नहीं सकती केपीआई को बनाने के लिए इन चार ऑब्जेक्टिव का होना बहुत जरूरी है क्या के करेंगे अगर तो क्वालिटेटिव हम क्वांटिफाई करेंगे, ताकि हम उसकी मेजरमेंट ठीक तरीके से कर सकें सेल्फ असेसमेंट में होता क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव्स आपने सेट किए हैं उसी की पहले खुद असेसमेंट करेंगे उसके बाद आपका लाइन मैनेजर असेस करेगा